हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे लेक्चर 13 स्टार्ट अपना। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करी थी। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल्स ऑन रियल नंबर। तो आपने बहुत बार कुछ इस टाइप के नंबर देखे होंगे। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड इनका मीनिंग क्या है, आज हम इस टाइप के नंबर्स की ही बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं एक्सपोनेंशियल्स। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड जो भी ये पावर्स गिवन है 3, 4, 12, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंट्स में कंफ्यूज मत हो जाना। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल पूरे का नहीं इनकाउंटर करेंगे, हम सिर्फ पावर्स को एक्सपोनेंट्स बोलेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। बट ये जो पूरी टर्म्स है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल्स एंड जो पावर है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो इसे जो बोलते हैं, ये जो 2 2 लिखा है ये है बेस। ओके, एंड जो ये पावर है अभी मैंने बताया पावर्स को बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। तो हम बेस हमारा सेम है तो बेस एक बार लेकर हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो पावर को ऐड करोगे 3 प्लस 5 इज 2 की पावर 8। ठीक है, तो वही बोला है कि हमारे पास अगर ए ए है एंड वो मल्टीप्लाई में है, उनकी पावर एम और एन है, तो हम क्या करेंगे बेस एक बार लेके उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई बेस है ए, उसकी पावर है एम एंड देन उसका मल्टीप्लाई कर दे एन के साथ जो कि है एक एक्सपोनेंट, दोनों एम और एन जो है एक्सपोनेंट है, तो ए की पावर एम एन जो है वो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जो ए एम और एन है ना, ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही होंगे, इसके अलावा आप कोई नंबर नहीं लोगे। एंड जो ए है वो है बेस एंड जो अभी मैंने बताया एम और एन जो है वो है एक्सपोनेंट्स। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। थर्ड प्रॉपर्टी, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हम 2 की पावर 3 है एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 7 से, तो हमारा जो आंसर आएगा बेस ऐसे ही रखना है 2 ले लिया एंड इनको मल्टीप्लाई कर दिया 3 एंड 7 को, तो हमारे पास आ गया 21। अब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया था 5 की पावर 7 इंटू 4, तो ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 28। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई कर सके, राइट? ऐसे ही हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी दो एक्सपोनेंशियल्स जो है हमारे पास वो डिवाइड में है एंड उनका बेस सेम है, लाइक 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2। ओके, इस टाइप से कोई हमारे पास गिवन है एक्सपोनेंशियल्स, तो हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि हम लोग एक बेस ले लेंगे जो पावर है उसको, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 2, दैट इज 2 की पावर 1 एंड दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर हमारे पास, अब यहाँ पर जो है ए और बी बेस डिफरेंट है एंड जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है, तो क्या होगा कि अब हम जो एक्सपोनेंट है वो एक बार ले लेंगे एंड जो बेस है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास जो बेस था वो सेम था एंड जो एक्सपोनेंट था उसे हमने ऐड करा। सिमिलरली सेकंड में हमने क्या करा, बेस हमारे पास सेम था एंड एक्सपोनेंट्स को हमने मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पर डिवाइड था तो हम इसको एन को ऊपर ले गए तो वो माइनस एन हो गया एंड दैट विल इक्वल टू। एंड यहाँ पर एक और चीज है कि जो ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए नीचे वाले एक्सपोनेंट से, मतलब एम जो है वो ग्रेटर देन होगा एन से, जो कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो कि 2 की पावर 3 बाय में 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट? तभी हम उसको उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये।
अब एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास ऊपर है 5, नीचे है 2 की पावर 7, तो आप 7 को ऊपर लेकर जाओगे, 5 माइनस 7 तो ये क्या हो गया, -2। तो अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना नहीं आता, हमें नहीं पता ये क्या वैल्यू होगी अभी के लिए, तो इसलिए हम लोग वही कंडीशन पढ़ रहे हैं कि ऊपर हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, नीचे छोटा एक्सपोनेंट होना चाहिए उससे। ठीक है, ये भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारा अभी आप इतना समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिर्फ ये याद रखना ऊपर हमेशा बड़ा नंबर लेना है पावर में, और नीचे जो है बेस के साथ छोटा नंबर लेना है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी के ही हैं, मैंने ज्यादातर जो अभी लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें सारे एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल लिए हैं, ताकि आप लोग जब ये वीडियोस देख लोगे तो आपको एनसीईआरटी में जब आप एक बार गो थ्रू होगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा होगा। मुझे लगता है कि कोई चीज जो विजुअलाइज करके आप पढ़ सकते हो उससे आपको ज्यादा याद होता है। तो जब आप ये पहले, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो पहले ये लेक्चर सीरीज देख लो, एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब कुछ आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 17 की पावर 2, 17 की पावर 5, इसका मतलब जो है बेस हमारा सेम है, हमने सेम रख लिया, एंड मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या था, a की पावर m प्लस n, राइट? तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इज 5 की पावर 2 इंटू 7, तो ये प्रॉपर्टी हो गई, हमारे पास बेस सेम है, a की पावर n इंटू m, ठीक है, तो इसका क्या आ रहा था, a की पावर n m, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 की पावर 2.7, तो दैट इज 5 की पावर 14। ओके, नेक्स्ट इज 23 की पावर 10 बाय में 23 की पावर 7। अब आप देखोगे 10 इज ग्रेटर देन 7, तो हम वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a की पावर m बाय में a की पावर n, तो हमारे पास आंसर क्या आता था, a की पावर m माइनस n, तो यहाँ पर क्या आएगा, a क्या है 23 और पावर m क्या है 10, एंड n क्या है माइनस कर देंगे 7, तो 23 की पावर 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है 7 की पावर 3 डॉट 9 की पावर 3, तो अब क्या करोगे, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो सेम है एंड बेस जो है वो डिफरेंट है, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर m डॉट b की पावर n, तो क्या था, ए बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, n नहीं आएगा m आएगा, तो ये m ऐसे, तो यहाँ पर a क्या है 7 डॉट b क्या है 9, एंड पावर जो है कॉमन वो क्या है 3, तो ये कितना हो गया, 63 की पावर 3। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि अगर कोई नंबर है लाइक 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो इसको करने के लिए हम बता दूं, मैं इसकी वैल्यू ए की पावर, लाइक कोई बेस है एंड उसका एक्सपोनेंट आपको 0 दिया हुआ है, दैट विल बी ऑलवेज 1। एंड अब ये चीज कैसे आई वो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें सारी चीजें समझ के करनी है, राइट? तो अब इसका क्या करोगे, लाइक आपको पता है अगर आप कोई नंबर लेते हो 2 बाय 2, ठीक है, उसको डिवाइड करते हो तो आपके पास 1 आता है आप कट करके। सिमिलरली अगर हम a की पावर 0 को कोई भी ले लेते हैं, a की पावर n बाय में a की पावर n लिख दे, तो ये n ऊपर चला जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये एन जो है वो ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो गया, ए की पावर 0, राइट। बट अब क्या करें, अगर हम लोग ये सिमिलर है नंबर्स, अगर हम इनको कट कर दें एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1। समझ में आया हमने क्या किया, हमने किया कि अगर हम लोग कोई एग्जांपल से समझते हैं, आपको निकालना है 2 की पावर 0, आपको नहीं पता क्या वैल्यू है, तो आप कोई भी पावर ले लो, लाइक 2 की पावर या एक्सपोनेंट बोल लो, 2 की एक्सपोनेंट 2 ले लिया, बाय में 2 की एक्सपोनेंट 2, एंड ये दोनों सेम नंबर है, अगर हम इसको कट कर दें दैट वुड बी इक्वल टू 1, राइट। एंड अगर प्रॉपर्टी से करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 की पावर 2 माइनस 2, दैट इज 2 की 0। इसका मतलब 2 की पावर 0 एंड 1 आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हमने जर्नलाइज फॉर्म लिख दी कि अगर हमारे पास कोई भी बेस है, लाइक 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा 1 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब नेक्स्ट है 1 बाय में a की पावर n है हमें गिवन। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 1 की पावर 3 की 7। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसमें देखे 1 की पावर an इज इक्वल्स टू a की पावर माइनस n, तो इसका अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 की पावर माइनस 7। 1 बाय 3 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 7। आप कहोगे ये कैसे आ गई, तो अब इसको देखो, अभी हमने पढ़ा कि 1 इज इक्वल्स टू होता है उसके बेस की पावर 0, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बेस 3 है, अगर हम उसकी पावर 0 ले लें तो 1 की जगह हमने रख दिया 3 की पावर 0, एंड नीचे हमने 3 की पावर 7 ही रखा। अब इस प्रॉपर्टी से आपको पता है 7 ऊपर चला जाएगा, आप कहोगे कि हमने तो ये पढ़ा था। अब मैं ये बता रही हूं उसके लिए जहां पर n इज ग्रेटर देन m है, तो उसके लिए भी ये वैसे प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 0 माइनस 7, दैट इज 3 की पावर माइनस 7, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो ये है 1 बाय a की पावर n, वो हमेशा a की पावर माइनस n के इक्वल ही आएगी, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में लिया 1 बाय 3 की पावर 7 इज इक्वल्स टू 3 की पावर माइनस 7, राइट। अब अगर कोई और नंबर ले 4 की पावर 5, तो वो किसके इक्वल आएगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस है 4, पावर है 5, एक्सपोनेंट मतलब 4 की पावर माइनस 5। तो ये जर्नलाइज फॉर्म हो गई, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा अगर आपको जल्दी सिंप्लीफाई करना है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एंड मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि लाइक अब मैंने देखा है बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, वो एंट्रेंस बेसिस पर अब एडमिशंस ले रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एंट्रेंस टेस्ट में हमेशा मैथ्स पूछा जाता है, एंड 9th से लेके 12th तक का मैथ्स जो है वो हमेशा बेस होता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे तो आपको कभी भी इन फ्यूचर डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये बेस है आगे वाले मैथ्स की, तो इनको अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है वो क्लियर करना चाहते हो। ओके, तो आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। अब हमने क्या देखा कि अब हम लोग बात कर लेते हैं, वही 1 बाय a की पावर n आ गया 1 n की पावर माइनस 1। तो अभी तक तो हमने पॉजिटिव नंबर्स पढ़े थे, लाइक 3 की पावर 3, 5 की पावर 7। तो अगर अब हम पढ़ेंगे वही 3 की पावर माइनस 3 गिवन हो या 5 की पावर माइनस 7 गिवन हो, तो उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं जहां पर जो है n इज ग्रेटर देन m भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी हमने ऊपर लिया कि जो ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये तो पढ़ी, m जब ग्रेटर देन है n। काफी बार ऐसा भी होगा कि n m जो है वो छोटा होगा
एन से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो अब जब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी तब हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अब वो पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज हमारी सेम लगेगी, बस उसको देखने का नजरिया अलग है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए एम डॉट ए एन, राइट। तो हमने क्या किया था, बेस सेम है तो बेस एक बार रखा, एम प्लस एन ऐसे किया था। तो अब क्या कर सकते हो, आपको 17 की पावर 2 डॉट 17 की पावर माइनस 5 गिवन है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट गिवन है, बेस सेम है, आप लिख सकते हो 2 माइनस 5। आपको पता है माइनस 5 अगर आप अंदर ले जाओ, 2 माइनस 5 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 5। तो क्या हो गया, यहाँ पर एडिशन ही हो रहा है जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पर, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो है जो माइनस फाइव है उसको इस तरह से ले रहे हैं। फिर से करती हूँ मैं, 17 की पावर 2 डॉट 17 की पावर माइनस 5, ठीक है। तो हम इसमें प्रॉपर्टी वही लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, लगा 17, फिर m क्या है 2 प्लस माइनस 5 ब्रैकेट में। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 17 2 की पावर माइनस 5, दैट इज 17 की पावर माइनस 3, ये आंसर आ गया इसका। सेकंड करते हैं, वही क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 एंड ब्रैकेट में माइनस 7, ठीक है। तो अब क्या प्रॉपर्टी लगाओगे इस पर, ये प्रॉपर्टी पड़ी थी जहां पर मल्टीप्लिकेशन में है एक्सपोनेंट्स, मतलब ये क्या है, ए की पावर एम एंड उसकी भी पावर एन इस तरह से है, इनमें गैप है। ऐसे मत सोच लेना कि ये इस तरह से लिखा है, ऐसे नहीं लिखा, ये इस तरह से लिखा है। तो इसका जो वैल्यू है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, m इंटू एन, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 5 2 की पावर इंटू माइनस 7, यही प्रॉपर्टी क्या यूज करके, तो क्या आ जाएगा, माइनस 14। तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज जो है प्लस में एंड नेगेटिव वैल्यूज में सेम है। एंड हमने ऊपर प्रॉपर्टीज को जब पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि जो m n की जो वैल्यूज है वो हमेशा नेचुरल नंबर आएगी, बट वो उन प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए ही था, बट हमारे पास और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम लोग नेगेटिव पे भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि n और m की जो वैल्यूज है वो इंटीजर्स हो सकती है, ठीक है, अभी तक के लिए। अभी हम और भी नंबर्स पढ़ेंगे जहाँ पर हम n और m की वैल्यू जो है रैशनल नंबर भी ले सकते हैं। वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी पर लिमिटेड था। यहाँ पर आपने देखा कि जब वो प्रॉपर्टीज बनाई थी तब उन्हें सिर्फ वही पता था कि हम लोग 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 निकाल सकते हैं। पर बाद में जब और ज़्यादा रिसर्च हुई और मैथमेटिशियंस आए तो उन्हें पता चला कि हम 2 की पावर माइनस 3 भी हो सकता है कोई एक्सपोनेंशियल। फिर आगे जब डिस्कवरी हुई जो हम पढ़ेंगे तो उन्हें पता चला कि 2 की पावर हम 4/3 भी ले सकते हैं इस तरह से। मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि m और n जो है वो नेचुरल नंबर ही है। अब आपने देखा कि m और n और m जो है वो इंटीजर भी हो सकता है। तो अब ये क्या है, आपने देखा m जो है वो स्मॉलर है n से, तो बट वो प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं जो हमने पढ़ी थी, a की पावर m बाय में a की पावर n। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, राइट। करेंगे वही, यही प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आ गया 23 की पावर माइनस 10 माइनस 7। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23 की पावर माइनस, यहाँ पर जो है बेस जो है वो डिफरेंट है, मतलब a की पावर m डॉट a की पावर n, यहाँ पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो सेम है, a की पावर m डॉट b की पावर m। तो हमने पढ़ा था
कि जो एक्सपोनेंट है वो कॉमन ले लेंगे एंड बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम वही करेंगे, 7 × 9 एंड एक्सपोनेंट है हमारे पास -3, तो ये आ गया हमारे पास 63 की पावर -3। ओके, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब आगे पढ़ते हैं, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। अब जैसे कि मैंने बताया कि उन्हें आगे उन्होंने जब रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि इस टाइप के एक्सपोनेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो रैशनल नंबर भी सॉल्व करेंगे। वो सीखेंगे हम लोग कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई सीखने से पहले एक पॉइंट बता देती हूँ कि जैसे अब हमने पढ़ा था अंडर रूट ए में, जहां पर ए जो है वो रियल नंबर है, तो हम अगर इसका स्क्वेयरिंग कर दें बोथ साइड तो हमारे पास ए इज इक्वल्स टू आ रहा था बी स्क्वेयर। इसका मतलब कि हम जो अंडर रूट है उसको, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं मतलब वो इज इक्वल्स टू कोई नंबर है बी, उसके स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग किसी भी नंबर का, लाइक ए नंबर है जो कि वही रियल नंबर है, एंड उसका nth रूट करें, एंड अब इस nth रूट को हम किसी नंबर के इक्वल रख देते हैं बी। ठीक है, तो जब आप बोथ साइड nth रूट करोगे, 1/nth, n स्क्वायर करोगे, nth करोगे, तो वो आ जाएगा a की पावर 1/n × n b की पावर n। ये कट जाएगा, a इज इक्वल्स टू आ गया b की पावर n। इसका मतलब कि हमें क्या पता चला कि अगर कोई n किसी a की nth रूट है, ठीक है, हम उसको लिख सकते हैं किसी और नंबर की पावर n। तो हमें यहाँ से ये पता चला। तो आप देखोगे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, अगर उसकी 2 की पावर, n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 की पावर 3rd रूट, रूट उसका क्यूब रूट, मतलब 2 की पावर 1/3, मतलब कि हम इसको जो है, जो यहाँ पर लिखा है 2 की क्यूबिथ रूट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हमने यहाँ पर n जो है वो 3 है, b a जो है हमारे पास वो है 2। ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा base 2 के पावर, जो n दिया है वो है 2। रैशनल एक्सपोनेंट को पढ़ने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर a की पावर अंडर रूट गिवन है, तो जब हम उसकी स्क्वेयरिंग करते थे तो हमारे पास ये आ जाता था। सिमिलरली जब हमारे पास एन की ए की nth रूट गिवन है, मतलब ये हो गया, तो यहाँ पर जो ए है वो रियल नंबर है, एज ऊपर हमने देखा ए इज रियल नंबर, एंड जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, देन एन nth रूट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब कि कोई nth रूट है ए का वो किसी नंबर के इक्वल आएगा, जो कि nth रूट bn इज इक्वल्स टू ए एंड बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब बी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास गिवन है 3 की क्यूब रूट ऑफ 2, तो हमें ऐसा एक नंबर मिलेगा जो कि उसकी पावर n, b की पावर n के इक्वल होगा, मतलब 2 की पावर 1/3 इज इक्वलेंट टू दिस वन। जैसे मैंने ऊपर लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर पढ़ रहे थे, जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम लोग स्क्वायर रूट की, तो मैंने आप करना है 5 का, तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1/7, बस आप ये समझ लो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देयर आर टू वेज टू लुक
टू लुक. अब हमारे पास एक नंबर गिवन है जिसका एक्सपोनेंट जो है रैशनल नंबर है, तो आप इसको दो वेज से समझ सकते हो और बोल सकते हो, देख सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. सिमिलरली हम लोग ये जो नंबर गिवन है हमारे पास, जैसे यहाँ तो इसकी पावर 1 थी, 1/7, बट यहाँ पर ऊपर भी एक नंबर है 3/2, ठीक है. जैसे अगर यहाँ पर हमें ऐसा कुछ गिवन होता 4 की पावर 4 अंडर रूट, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इसको हम लिख सकते थे 4 की पावर 1/2. तो इसका तो एक ही ओनली वे हो गया इसको लिखने का. बट यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं p by q में, तो हम इसको दो तरह से कैसे लिख सकते हैं. 4, तो 3 अंदर ले लेते हैं पहले, इंटू 1/2. हमने 3/2 को ब्रेक कर दिया 3 × 1/2 में, ठीक है, वही लिखा है. तो अब क्या करोगे, 4 की पावर 3, दैट इज 64 की पावर 1/2, ठीक है. अब 64 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या होगा, हमने लेक्चर में पढ़ा था स्क्वायर रूट निकालना, ऐसे निकालोगे. ऐसे नंबर देखना है जो दो बार रिपीट होता हो. तो ये 8 पर जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 8. सिमिलरली इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि हम इसको अंदर लिख ले 1/2 की पावर 3. क्या किया है, बस 1/2 को अंदर लिख लिया, 3 को बाहर लिख लिया. तो अब 4 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा. 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, ये 2 पर जाएगा दो बार, तो आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, इसका क्यूब रूट करोगे 2 का, तो आपके पास 8 आएगा. तो आपने देखा कि हम 4/4 की पावर 3/2 को दो तरह से लिख सकते हैं एंड दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा. इसका मतलब 4 की 3/2 इज इक्वल्स टू 4/3/1/2 इज इक्वल्स टू 4/1/3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8. ये हो गए इसके टू वेज और आंसर इनका सेम ही आएगा. ये बस लिखने का तरीका है इसको, तो आप ये मत समझ लेना 4 की पावर 3 की पावर 1/2 अलग है, 4 की 1/2 की पावर 3 अलग है. ये सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है. अब आगे चलते हैं. तो लेट ए बी अ रियल नंबर, लेट एम एन एन बी इंटीजर्स सच दैट एम एन एन हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड एन इज ग्रेटर देन 0 और एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन ए बाय ए की पावर एम बाय एन इज इक्वल्स टू, इस तरह से. ये जस्ट वेज हैं उसको लिखने के. अब ये क्या कह रहा है कि आपके पास एम और एन जो है हैज नो कॉमन फैक्टर. नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो. तो जैसे 3 को डिवाइड क्या करता है, 1 और 3. 2 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 और 2. तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1, राइट. तो ऐसा कॉमन फैक्टर जो है अदर देन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो यहाँ पर जो देखा आपने कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं इसको ब्रेक कर दे अगर तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो हम लिख सकते हैं इसको 1/2 × 3. तो इसको हमने लिखना सीखा था, एंड अगर इसकी पावर कर दे 3, ठीक है. एंड अगर हम इसमें 3 को अगर इसके अंदर भी ले जाएं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि चाहे हम पढ़ लेते हैं जहां पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर है. जैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव के लिए पढ़ा था, वैसे ही जब जब m और n पॉजिटिव नेगेटिव है, अब हम पढ़ रहे हैं जब m और n जो है वो रैशनल नंबर है, मतलब उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं हम. तो क्या होगा, बेस सेम होगा, तो वही दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे. जब बेस है
एंड एक्सपोनेंट मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जब एक्सपोनेंट्स जो है डिवाइड में है एंड बेस सेम है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि p ग्रेटर देन q होना चाहिए या q इज ग्रेटर देन p होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. बस क्या होगा, अगर q ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी ऊपर वाले टर्म की, अगर वो पॉजिटिव होगा मतलब p जो है वो बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी. फोर्थ प्रॉपर्टी इज a की पावर p इंटू b की पावर p, मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो रैशनल नंबर होगा बट वो सेम होगा एंड बेस जो है वो डिफरेंट होगा, तो वही बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड जो हमारा रैशनल एक्सपोनेंट है वो बाहर कॉमन आ जाएगा. तो आपने देखा कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम ही हैं, बस यहाँ पर जो p एंड q है वो हो गए रैशनल नंबर्स. प्रॉपर्टीज सेम ही हैं, सेम ही जैसे हमने पॉजिटिव में पढ़ी थी वो ही है ये. ठीक है, अब इनको अप्लाई करना सीखते हैं. तो ये सॉल्व एग्जांपल है, अब इसको करके देखते हैं. अब क्या लिखा है, 2 की पावर 2 बाय 3 डॉट 2 की पावर 1 बाय 3. तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पता है ये दोनों रैशनल नंबर्स ऐड हो जाएंगे बाय दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3, वो आ गया 2 की पावर, ऐड करोगे 3 बाय 3 दैट इज 1, मतलब 2 की पावर 1, तो उसको सिंपली हम 2 भी बोल सकते हैं ना. सेकंड 3 की पावर 1 बाय 5 की पावर 4. ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 1 की पावर p की पावर q, तो ये आ जाएगा a p q, राइट. तो a क्या है, हमारे पास बेस है 3 की पावर 1 बाय 5 इंटू 1 बाय 4 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ये आ गया 3 की पावर 4 बाय 5. ठीक है, कोई भी डाउट हो गाइस पूछ लेना. अब करते हैं नेक्स्ट. थर्ड है हमारे पास 7 1 बाय 5 बाय में 7 1 बाय 5 1 बाय 3. आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से अगर याद हो जाएगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इनको सिंप्लीफाई करना. तो ये हो गया a की पावर p बाय में a की पावर q. तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी जो नंबर है वो बड़ा है. आप देखो कौन सा नंबर बड़ा है, अगर 1 बाय 5 करेंगे तो ये आएगा 0.2, 1 बाय 3 करेंगे वो आएगा 0.3333. ठीक है, तो इसका मतलब 1 बाय 3 जो है वो बड़ा है, इसका मतलब जो q है ग्रेटर देन p है, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए हमारी. देखते हैं, ये 3 माइनस 5, देखा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई ना, जैसे कि मैंने कहा था. नेक्स्ट यही कर देती हूँ ऊपर. हमें ये गिवन है तो इसका मतलब क्या है, बेस डिफरेंट है एंड पावर्स जो हैं वो सेम है, तो प्रॉपर्टी लगेगी ए पी डॉट बी पी. तो ये आ गया ए पी ए बी पी, तो ये आ गया 13 इंटू 17 की पावर 1 बाय 5. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 22115. ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना गाइस. अब करते हैं हमारी एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज है हमारी 1.6 एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा
एंड मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको इनके रियल लाइफ एप्लीकेशन जानने हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है एंड आपको इंटरेस्ट है कि ये एक्सपोनेंशियल का रियल लाइफ यूज क्या है, तो आपको मैं यहाँ एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी एंड यहाँ पर आप ये वीडियो जाकर जरूर देखना। इससे आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा इन्हांस होगी, आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा कि हम लोग ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही डाउट होता है कि हम ये मैथ्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका आंसर आपको इन वीडियो से मिल जाएगा। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें 64^1/2 गिवन है, तो हमें पता है ये रैशनल नंबर हो गया। अब क्या करोगे, इसका हमें स्क्वायर रूट करना आना चाहिए, तो ये क्या आएगा, ये जाएगा 8 पे। ठीक है, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाली अप्लाई हो रही है, तो क्या लिखेंगे, ए की पावर पी क्यू, है ना। तो इसको लिख देंगे 8 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसल, 8 की पावर 1, दैट इज 8। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको स्कूल्स एग्जाम्स में अपने, तो मतलब अब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे नंबर्स से जो 5 टाइम्स रिपीट हो, ताकि हम इसको इससे कट कर सके। तो इसको कर देते हैं 2 पे, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 5। 2 जो है 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2^5 की पावर 1/5, राइट। तो वही यही सेम प्रॉपर्टी आ गया हमारे पास 2^1, ये इससे ऐसे लिख देते हैं, ये कट हो गया 2^1, दैट इज 2, राइट। थर्ड 125^3, ऐसा नंबर जो इसको 3 टाइम्स रिपीट हो, जो डिवाइड करे 3 टाइम्स, 5 2 5 5 5, तो आपने देखा फैक्टराइज हो रहा है इसका 3 टाइम्स, इसको लिख देंगे 5^3। हम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, ताकि हमें इजीली सॉल्व हो सके, क्योंकि इसकी पावर 1/3 निकालना इजी नहीं है, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी के थ्रू इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं इजीली। तो देख लो कैसे सिंपलीफाई होगा। सिर्फ यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं कि लाइक डिफरेंट एक्सपोनेंट्स गिवन है हमें, तो उनको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। 9^3/2, तो अगर 9 को हम 3 से डिवाइड करें, फैक्टराइज करें, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3^2 की पावर 3/2, राइट। 2 से 2 कैंसल, वही प्रॉपर्टी APQ, तो वो आ जाएगा 3 2 डॉट, ये कैंसल, तो हमारे पास आ गया 27। सेकेंड 32 2/5, 32 भी क्या आ जाएगा, 2^5, मतलब 5 बार जाएगा, फैक्टराइज होगा 2 से, तो 2^5 2^5, यही प्रॉपर्टी 2^5.25, 5 से 5 कैंसिल, 2^2, दैट इज 4। थर्ड 16^3/4, आपको देखना है फैक्टराइज किससे हो रहा है, जिससे 4 टाइम्स जो है वो नंबर 4 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, तो ये जाएगा 2 पर ही, 4 टाइम्स रिपीट होकर 16 बन जाएगा, लाइक 2^2 की पावर 2 की पावर 2, ये हो गया 22^4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड ये क्या होगा 16, राइट। या फैक्टराइज करके देख लो, राइट, तो आ गया 3/4, वही प्रॉपर्टी। आप कहोगे यार यही प्रॉपर्टी लगती रहेगी इस पे, कोई और प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, और भी प्रॉपर्टीज लगेंगी गाइस, डोंट वरी, नेक्स्ट में पढ़ेंगे।
ओ माय गॉड, यहाँ पर तो ये नंबर फ्रैक्शन में भी है, फ्रैक्शन सॉरी फ्रैक्शन नहीं है, रैशनल नंबर है, एंड वो भी नेगेटिव। चलो इसको भी कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ हमने डिस्कस नहीं किया था, बट स्टिल जो नेगेटिव के जो पॉजिटिव के लिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, वही नेगेटिव पर अप्लाई हो जाती है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो ऐसा नंबर जो 3 से 3 टाइम्स आ जाए, 5 की पावर 3, 1/3, इस तरह से। अब यही प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ लगा देंगे, 3 से 3, 5 -1। तो हमने पढ़ा था 1 की पावर n जो है -1/1 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 की पावर -n। तो यहाँ पर ये आ गया हमें, तो हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5, है ना? जो हमने सारी चीजें पढ़ी है उसका सारा यूज हो रहा है यहाँ पर। चलो अब इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो हमने पढ़ी थी। 2, 2 की पावर 3 डॉट 2 पावर 1/5, वही प्रॉपर्टी, बेस सेम है। इसको लिख कर देख लो, प्रॉपर्टी की फॉर्म में चेंज कर लो कि बेस सेम है, ए ए लिख दो। ये जो है रैशनल नंबर है, मतलब पी क्यू डॉट है, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? पी प्लस क्यू वाली। 2, 2/3 + 1/5, 15, 5, 10, 3, 13, 2 की पावर 13/15। गाइज ये प्रैक्टिस कर लेना, कहीं इनको आप एलसीएम लेने में गलती कर दो। तो वही, ये 1/an की फॉर्म हो गई, इसको हम 1 की पावर 1/n लिख लेते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? 1 की पावर p की पावर q, पी क्यू, ठीक है। 3 की पावर -3.7, तो क्या आ गया? 3 की पावर -21। इलेवन वन बाय टू, 11 1/4, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? बेस सेम है, ए ए लिख दो, फिर फ्रैक्शन जो है वो अलग अलग है, तो मतलब पी और क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? ए पी माइनस क्यू। 11 1/2 - 1/4, 11 1/4 आंसर। फोर्थ, 7 1/2 डॉट 8 1/2, इसका मतलब हमारे पास इस बार जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। बेस क्या है? अलग अलग, ए और बी ले लेते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका अंदर ये वाली प्रॉपर्टी हो गई है। तो राइट, इस तरह से देख सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है उसको इस फॉर्म में चेंज करके। 7 into 8 1/2, दैट इज 56 1/2 आंसर। तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगी। नेक्स्ट हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। अंटिल देन, बाय।